एक्सरसाइज 4.9 क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें कह रहे हैं कि एफ ए प्लस वन अपॉन ए बराबर हो 2 के, तो साबित करें, प्रूव डेट व्हाट ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए फोर प्लस वन अपॉन ए फोर इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब इज इक्वल टू 2। ये साबित करना है, यानी इसका मतलब है कि आपने पहले ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर की कीमत निकालनी है, उसके बाद फिर ए फोर प्लस वन अपॉन ए फोर की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब की वैल्यू निकालनी है, और जब आप इन तीनों की वैल्यूज निकालेंगे तो जवाब क्या आएगा, 2 आएगा हर दफ़ा, तो प्रूव हो जाएगा। इसके लिए कुछ फार्मूले आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे जो पहले बताए गए थे, याद है आपको ए प्लस वन अपॉन ए का फार्मूला इस तरह बताया था, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये बताया हुआ है फार्मूला पहले भी पिछले एक्सरसाइज में, बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 के बराबर होता है। और फिर ये भी बताया था कि अगर यहाँ एक्स की बजाय स्क्वायर आ जाए, ये फार्मूला भी आपके पास मौजूद है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो क्या होगा फार्मूला, तो यही होगा, यहाँ पावर 2 की जगह 4 आ जाता है, तो फार्मूले की शक्ल बन जाती है एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4, बाकी प्लस 2 वैसे ही रहता है। इज दैट क्लियर? और याद है कि दोनों फार्मूले ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से ड्राइव होते हैं, स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बार बार नहीं कर रहे, अब इसको फार्मूला आप याद रखिएगा। तो सोल्यूशन में आपने सबसे पहले जो चीज़ गिवन उसको पिक करना है, ये गिवन है तो लिखें वी हैव, इसका मतलब होता है कि हमारे पास मौजूद है या गिवन है क्या कि ए प्लस वन अपॉन ए इज इक्वल टू वॉट 2। अब इसके ज़रिए तीनों चीज़ें निकल आएंगी, क्या करना है सबसे पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, पहले आपने इसकी वैल्यू चाहिए स्क्वायर प्लस वन अपॉन स्क्वायर की, बाद तुलबा इसमें हेडिंग डाल के काम करते हैं, तो आप अगर हेडिंग डालना चाहें तो हेडिंग वाइज कर लें, आई डोंट माइंड, स्क्वायरिंग कर लें दोनों तरफ, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो देखें क्या होगा, ए प्लस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, उसके बाद इसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन कर लें या डायरेक्ट फार्मूला आपके पास मौजूद है वो अप्लाई कर दें, तो ठीक है दोनों तरीके से किया जा सकता है। तो हम यहाँ फार्मूला लगा लें, तो ए प्लस वन अपॉन ए के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, बोलिए ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर होगा, देखो ना वो पहला वाला फार्मूला लग रहा है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो एक्स की जगह ए यहाँ पर मौजूद है और प्लस क्या आएगा फिर साथ में 2 और इज इक्वल टू, ये तो फार्मूला लग गया इस पर, इज इक्वल टू के बाद 2 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 को दो दफ़ा मल्टीप्लाई करें। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर ही अपनी जगह रहा, इस प्लस 2 को उधर फेंक दें दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, इज इक्वल टू 2 टू द क्या हो जाएगा 4, और ये प्लस का 2 आ जाके माइनस का 2 हो जाएगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आता है, तो ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर डेट इज इक्वल टू वॉट 2। तो आपने देखा कि पहली वैल्यू स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर किसके बराबर आ गई, 2 के इक्वल आ गए, तो यहाँ पे इसको नाम दे दें क्वेश्चन नंबर 1 का, ताकि आपको रिकॉल करने में आसानी हो, यहाँ तक तो करवा दिया था। सर आपने प्लस का 2 करवाया है, प्लस का 2 भी 6 आंसर है जी, प्लस का 2 करवाया 4 प्लस 2 करना था आपने 6 आंसर, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये 4 प्लस का 2 आ जाके माइनस में होगा, ये माइनस नहीं प्लस सही करें इसको, प्लस है ये, नहीं नहीं प्लस क्या होगा यहाँ पे प्लस सही कर लें, और ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होगा, अब हमने इसको इसकी तो वैल्यू निकाली, अब हमें चाहिए ए फोर प्लस वन अपॉन ए फोर, तो उसके लिए इसी इक्वेशन के दो तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, याद रहे अगेन स्क्वायरिंग लिखेंगे क्या होगा, यस किसने मंगाया है ये मार्कर आप लेके जाएं जी। और ये मार्कर आप इस्तेमाल करके मुझे दे दीजिएगा वापस ठीक है, क्या करना है देखें लिखें अगेन अगेन स्क्वायरिंग, इसके दोनों तरफ दोबारा स्क्वायरिंग करें तो देखें क्या हो जाए, क्या हाँ लिखिए ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ताकि पता चले ना हुआ क्या है,
एक दफ़ा तो स्क्वायरिंग कर चुके हैं, अब दोबारा कर रहे हैं तो अगेन लिखेंगे। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका ये फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है एक्स फोर प्लस वन अपॉन एक्स फोर प्लस टू। तो ये क्या हो जाएगा, देखें ए फोर प्लस वन अपॉन ए की पावर फोर, फिर प्लस टू आएगा और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में टू का स्क्वायर उसी तरह होगा टू मल्टीप्लाई बाय टू। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये ए फोर प्लस वन अपॉन ए फोर इज इक्वल टू प्लस टू को उधर शिफ्ट कर दें दूसरी तरफ, तो टू टू दो फोर हो गया, प्लस टू आ जाके माइनस का टू हो जाएगा, फिर फोर में से टू माइनस करेंगे तो टू आएगा, जाहिर सी बात है। तो अब देखिए क्या होगा, ए फोर प्लस वन अपॉन ए फोर इज इक्वल टू फोर में से टू माइनस करेंगे तो क्या आ जाता है टू, दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू का नाम देते हैं इसको। देखिए फिर वही जवाब आया, ए फोर प्लस वन अपॉन ए फोर की वैल्यू निकाली वो दोबारा क्या आ गई, टू आ गई, यानी दो तो प्रूव हो गए समझोगे, दोनों टू के बराबर। अब आखिर में रह जाता है क्यूब, अब आपको चाहिए ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब, इसके लिए आपको दोबारा से इसको पिक करना पड़ेगा ए प्लस वन अपॉन ए को और फिर क्यूबिंग करनी पड़ेगी दोनों तरफ, क्यूब करेंगे तो क्यूब निकल आएगा। तो देखें क्या हो जाएगा, इसको मिटाना पड़ेगा भाई। अब हम तीसरे के लिए काम कर रहे हैं, ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब की वैल्यू चाहिए हमें इसकी, तो दोबारा से आप लिखें जी, लिखें अगेन बाय यूजिंग, अगेन बाय यूजिंग दोबारा इस्तेमाल करने पर किसे, वही जो पहला वाला रिजल्ट है गिवन है आपको, ए प्लस वन अपॉन ए डेट इज़ इक्वल टू टू, क्वेश्चन में ये आपको गिवन है, मालूम है, इसके ज़रिए अननोन चीज़ें मालूम की जाएंगी। अब जाहिर है आपको अब इसमें क्यूब लेकर आना है, तो क्यूब लाने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, क्यूब वाला, तो लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बहुत साइड, तो क्यूब लेना पड़ेगा दोनों तरफ, टेकिंग क्यूब ऑन बहुत द साइड्स या बहुत साइड्स, देख लें। तो अब देखें क्या हो जाएगा, यस टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो रकम है उसको ब्रैकेट में बंद करें ऊपर थ्री लगा दें, और राइट हैंड साइड में टू है उसको भी बंद करें ऊपर थ्री लगा दें, क्या हुआ हो गया, नहीं नहीं मैं समझा शायद नहीं ख़त्म हो गया, चलें ठीक। अब देखें यहाँ ए प्लस वन अपॉन ए की पावर थ्री, इसका क्यूब का फार्मूला भी हम जानते हैं, क्या फार्मूला था याद है आपको, याद कीजिए फार्मूला ये था ए प्लस बी होल क्यूब, ये बराबर होता है किसको, याद है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दो तरह के फार्मूले बताए थे ना उसमें, ये वाला एक फार्मूला बताया था थ्री ए बी और फिर ब्रैकेट में क्या आता है ए प्लस बी, ये वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा क्यूब का, याद रहे। तो देखिए यहाँ पे ए की जगह तो ए है लेकिन बी की जगह कौन है, वन अपॉन ए, तो जहाँ जहाँ ए वहाँ तो ए ही रहेगा, जहाँ बी है वहाँ पर वन अपॉन ए आ जाएगा, जाहिर सी बात है क्योंकि बी की जगह वन अपॉन ए है। अब देखिए क्या होगा, इस पर फार्मूला लगा रहे हैं तो ए क्यूब यानी किसका क्यूब, ए का, प्लस बी क्यूब, बी की जगह वन अपॉन ए है तो वन का क्यूब तो वन ही होता है, फिर ए का क्यूब आ जाएगा प्लस उसके बाद क्या होगा थ्री ए बी, ए की जगह ए रहेगा, बी की जगह आएगा वन अपॉन ए, उसके बाद ये लिखा हुआ है ए प्लस बी, तो ए की जगह तो ए रहेगा बी, बी की जगह फिर वन अपॉन ए आएगा, इस तरह इस ब्रैकेट पर फार्मूला आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है भाई। अब देखिए क्या होगा, ये तो लेफ्ट साइड पे आपने फार्मूला अप्लाई किया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी प्लस इंटू ए प्लस बी, अब राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है टू की पावर थ्री, तो टू की पावर थ्री का मतलब क्या होता है कि टू का आपस में तीन दफ़ा मल्टीप्लाई करें, सब जानते हैं टू की पावर थ्री का मतलब है टू को तीन दफ़ा मल्टीप्लाई करो, टू टू द फोर, फोर टू द एट हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, ए क्यूब यहीं देख लें, ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब प्लस, अब देखिए यहाँ थ्री ए से कट गया तो थ्री वन का क्या हो जाएगा थ्री, और साथ में रह गया इसके ए प्लस वन अपॉन ए, और इज इक्वल टू के दूसरी तरफ है टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू, तो इट बिकम्स ए टू टू द फोर फोर टू द एट, ठीक है भाई। नहीं अभी तो सो टू लेकर आना है ना, इसकी वैल्यू चाहिए किसकी, ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब की, तो यहाँ पे तो ए प्लस वन अपॉन ए भी आया हो तो इसको भगाना पड़ेगा, बताएं इसको कैसे भगाएंगे, नहीं ए प्लस वन प्लस है ये, तो ए प्लस वन अपॉन ए बराबर है किसके,
टू के, तो यहाँ पे लगा देंगे क्या टू, क्योंकि ए प्लस वन अपॉन ए टू के बराबर है, तो उसके बाद टू आएगा तो भाग जाएगा ये। तो देखिए अब क्या होगा, यस ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब अपनी जा रहा, प्लस का थ्री अपनी जगह रहा, उसके बाद ए प्लस वन अपोने की जगह टू पुट करने वाले हैं क्योंकि ए प्लस वन अपोने टू के बराबर है, उसकी जगह आ जाएगा टू। और राइट हैंड साइड में तो ऑलरेडी पहले से एट मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। हाँ नहीं, इसके मैं तो आपको हिंट दे रहा हूँ कि इसके आगे क्या रखना है, टू रखना है। यहाँ नहीं लिखिएगा आप, अगले स्टेप में इसकी जगह क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे। तो बाद का तो हम इनके तौर पर जो ना टू लिख देते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कि हम कोई कलर पेन इस्तेमाल करें ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। यानी इसकी जगह जो फर्ज करें हमने क्या लगा दिया, टू लगा दिया। चलिए अब क्या होगा, देखें थ्री टू द बोलिए सिक्स हो जाएगा। तो ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब प्लस थ्री टू द सिक्स और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या मौजूद है, एट। अब इस प्लस सिक्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, तो आप प्लस सिक्स को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा। वही बात हम बार बार दोहराते जा रहे हैं, कभी ना कभी तो जहन में बैठ ही जाएगी। अब देखिए क्या होगा, ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब इज इक्वल टू एट, प्लस सिक्स वहाँ जाके माइनस सिक्स हो गया। एट में से सिक्स को माइनस करेंगे, प्लस वन अपॉन ए क्यूब, एट में से सिक्स गया तो टू आएगा। अब देखिए क्या होगा, इसको इक्वेशन नंबर थ्री। अब आप और करें, आपने तीन इक्वेशन बनाई वन टू थ्री और तीनों के जवाब में क्या आया, टू आया। अब आखिर में बस आपने एक चीज़ लिखनी है, क्या एक जुमला, वो ये है कि फ्रॉम, अब इसको समराइज करते हैं, फ्रॉम इक्वेशंस इक्वेशंस वन कॉमा टू एंड थ्री, तीनों इक्वेशन से क्या नतीजा अखज कर रहे हैं, हम ये अखज कर रहे हैं कि ए प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर डेट इज़ इक्वल टू ए फोर प्लस वन अपॉन ए फोर डेट इज़ इक्वल टू वॉट, ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब, तीनों के रिजल्ट किसके बराबर हैं, टू के बराबर है। चूँकि तीनों के रिजल्ट टू के बराबर हैं तो तीनों भी आपस में बराबर होंगे, जाहिर सी बात है, नहीं दैट इज़ प्रूफ। आखिर में क्या लिखना होता है इसमें, प्रूफ, साबित हो गया कि तीनों के नतज टू के ही बराबर है। तो ये ठीक है, ये फार्मूला कैसे बना इस पर हम पहले भी कई दफ़ा बहस कर चुके हैं, उस पर दोबारा हम बहस नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है, वीडियो लंबा हो जाएगा फिर, वीडियो जितनी छोटी है मुख्तसर और सम कॉम्प्रीहेंसिव होनी चाहिए ताकि समझ में आ जाए। बाकी जो लोग इसकी डेरिवेशन देखना चाहते हैं तो वो फिर पिछली वीडियोस को देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।